नमस्कार साथियों पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है पीएच ऑफ ब्लड इज़। तो ब्लड की पीएच क्या होती है वो आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए इज फाइव पॉइंट सिक्स ऑप्शन बीज सिक्स पॉइंट एट ऑप्शन सी इज सेवन पॉइंट फोर एंड ऑप्शन डी इज एट पॉइंट टू तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवन पॉइंट फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इंडियन सेफ्रोन इज तो इंडियन सेफ्रोन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए जिंजर ऑप्शन बी इपेकाक ऑप्शन सी टर्मरिक एंड ऑप्शन डी रोबार्ब तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्मरिक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आपका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमें कमेंट्स कर दिया करो मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कोज बाई स्पेसिस ऑफ तो मेनली फूड पॉइजनिंग कौन सी स्पेसिस के द्वारा होती है वो आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए टाइपस ऑप्शन बी साइमोनेला ऑप्शन सी सेलेजिला एंड ऑप्शन डी टेटनस तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइमोनेला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी फंगल एंटीबायोटिक तो चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सा एंटी फंगल एंटीबायोटिक है ऑप्शन ए नेप्टिफाइन, ऑप्शन बी फाइफ्लोरोसाइटोसिन ऑप्शन सी इज निस्टाटिन एंड ऑप्शन डी इज निफीमिडाउन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निस्टेटिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव ऑक्सीटोसिन इज यूज टू तो ऑक्सीटोसिन का यूज हम किस तौर पे करते हैं वो आपके यहाँ पे पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए दे रखा है इसमें इंड्यूस लेबर पेन ऑप्शन बी राइज बीपी, ऑप्शन सी प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंड्यूस लेबर पेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन द सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस के सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज करते हैं ऑप्शन ए कानामाइसिन, ऑप्शन बी स्टेप्टोमाइसिन ऑप्शन सी नियोमाइसिन एंड ऑप्शन डी फ्रामाइसिटिन तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का नाम एंटीबायोटिक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोफेनिकोल इज तो क्लोरोफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए ग्रेबेबी सिंड्रोम एंड बोन मेरो डिप्रेशन ऑप्शन बी इज फ्लू सिंड्रोम ऑप्शन सी इज हेपेटाइटिस एंड ऑप्शन डी इज हियरिंग इम्पेयरमेंट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन ये क्वेश्चन कई बार कई कंपिटेटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है अब क्वेश्चन है क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना होगा ये आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन है नियम आइसिन एडमिस्टेड बाई द रूट तो नियम आइसिन को हम किस रूट के थ्रू एडमिस्टेड करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है जिनका सबसे पहले कमेंट्स आएगा उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर था ऑप्शन ए दे रखा इंट्रामस्कुलर और ऑप्शन बी इंट्रावेनस ऑप्शन सी टॉपिकल एंड ऑप्शन डी ऑल तो मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ में